12 अध्याय 10 में यहाँ ऐसे लिखा है, बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजाले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दूसरों दुष्ट ही करते रहेंगे। और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वही समझेंगे। आमीन। यहाँ एक सूचना सब ये वचन है और हम सोचना चाहिए कि हम कैसे, मैं किसको विश्वास करूँ और मैं कैसे हूँ, मेरा विश्वास भरे कि नहीं, मैं परमेश्वर वचन को मैं ये मन कर के नहीं, और मैं परमेश्वर का मन पसंद इच्छा को मैं कराए कि नहीं, मैं कैसे हूँ, मैं धर्मिता रूप में पहना कि अभी मैं दुष्ट लोग के साथ में उसमें मैं कुछ फर्क नहीं है। ये एक सूचना हमें जीवन में सोचना ही है, बहुत जरूरी है। यहाँ जब मैं दानियल का किताब ये पढ़ा, मुझे बहुत एकदम अच्छा लगा और मुझे ये बार बार मुझे परमेश्वर वचन ये याद दिलाता है और मुझे अच्छा लगता है, और मैं परमेश्वर वचनों से या शुद्ध करने के लिए मैं ये अभ्यास करता हूँ और मैं खुद या अपने को जांचता हूँ हर रोज, मैं कैसे हूँ, मेरा विश्वास कहाँ है, भरा कि गति जा रहा है, आगे बढ़ रहा है कि मैं पीछे हो जा रहा है कि वैसे ही बैठा है, आगे बढ़ाता या भरा नहीं कि भरा है। मैं अपने आप को मैं परमेश्वर वचन से मैं अपने को अपना बैठाता हूँ और देखता हूँ, मेरा विश्वास ये तुलता हूँ परमेश्वर का वचन का। जो समझता लोग समझता तुम ये बुद्धिमान समझता लोग ये समझ पाएगा, क्योंकि अपना बुद्धि अपना समझने के लिए आप जो देगा तो आप समझ पाएगा, आप समझने के लिए आपका यह बुद्धि नहीं देगा और कोशिश नहीं करेगा तो आप समझ नहीं पाएगा। बस यही सुना निकल गया, एक कान से सुना दूसरा कान से निकल गया, ऐसे होगा। जैसे यहाँ दुष्ट लोग ऐसे होगा, दुष्ट तो दुष्ट देखता है सुनता है लेकिन कुछ फर्क नहीं, अपना दुष्ट चलन चलन विचार और विचार अपना दुष्ट विचार और विचार नहीं बदला, अपना मन नहीं बदला, वैसे थी वो सोचते हैं और वैसे करते हैं, तो इसलिए लोग दुष्टों का भी समझ नहीं पाएगा। बाइबल ने सत्य वचन ये कह दिया है, लेकिन अनेक लोग अपने आप को शुद्ध करेगा और अपने आप को उजाले करेगा, कहा है अपने आप को निर्मल करेगा और स्वच्छ हो जाएगा। परमेश्वर वचन या दानियल का किताब में ये कहा है, इन लोग है परमेश्वर के वचन को सुनकर मानन करता है और परमेश्वर के वचन को से अपने को शुद्ध करता है, परमेश्वर पर दृष्टि लगा है, परमेश्वर का आवाज को सुनने के लिए अभ्यास करता है, क्योंकि वचन जितना मन है आपको मन है उतना हमेशा उससे उस वचन से आपको भूलेगा, क्योंकि आत्मा ने दिया गई है हमेशा का आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा हमको छप कर दिया है, और जो वचन हमने मन में डालेगा वो उस वचन को हमको या स्मरण करेगा, हमको याद दिलाएगा, इसलिए हमेशा वचन से हर रोज हमको शुद्ध करता है और हम उसमें अनुसार चलता है, वो परमेश्वर की इच्छा में हम चलता है, परमेश्वर इच्छा में हम कर रहे हैं, परमेश्वर इच्छा हम कर रहे हैं, वचन में लहू नहीं करेगा, वचन में
वचन को याद करके उसमें नहीं चलेगा तो अभी हम दूसरों से कुछ फर्क नहीं है। आप लोग जीवित बच्चे बेटा है तो उसने परमेश्वर का आवाज अभी सुनाई नहीं दिया। परमेश्वर आवाज सुनने के लिए हम परमेश्वर वचन जो सुनता है मन में धरना चाहिए। तो यहाँ दानियेल का किताब में अनेक लोग अपने आप को निर्मल शुद्ध करेगा, उजाले करेगा, बुरे काम को छोड़ेगा, बुरे विचार छोड़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर पर दृष्टि लग गए हैं, परमेश्वर वचन है। तो हर रोज वो कटकटी करेगा, परमेश्वर वचन से शुद्ध करेगा और प्रार्थना करेगा और परमेश्वर उनको जो पुकारता है, परमेश्वर पुकारता है, परमेश्वर उन लोगों को उनका वचन द्वारा शुद्ध शुद्ध करेगा और निर्मल करेगा और इन लोग परमेश्वर का लोग कहलाएगा और आप मुझसे करेगा, परमेश्वर आत्मा आपसे कहेगा, आप परमेश्वर बेटी हूँ, परमेश्वर बेटा हूँ। ये आवाज हम अंदर से सुन पा रहे हैं और इसलिए हम आशा रहित नहीं होता, लेकिन आशा हम आगे हम फिरते जा रहा हूँ, हमारा आशा और उज्यालो बातें जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो विश्वास किया, हमने विश्वास किया वो पक्का हो गया। ये होते हर उस हमको उसमें उज्याले में ले जा रहे हूँ, लेकिन हम समाज के जी रहे हैं, हम समाज के कर रहे हैं, लेकिन हम समाज के बोल रहे हैं, ऐसे तो नहीं, हमने बोला ऐसे हमने किया, हम समाज की कर रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, ये हमको समझ दिया है। पवित्र आत्मा साथ में हमारे साथ में है, तो परमेश्वर वचन हम जब मान में रखता है, मन करता है, परमेश्वर वचन को उठाता है, तो हमको ये हमारा आशा पक्का बना दे जा रहा है। तो ये कितना आशीषित है, इसलिए हम आशीषित लोग हम बोली है। जैसे जकरिया में जकरिया तेरा का 9 में भी उस तिहाई को मैं आँख में डल कर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है और ऐसा चचूंगा जैसा सोना जंचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उसके सुनूंगा, मैं उसके विषय में कहूंगा ये मेरी प्रजा है और वे मेरी विषय में कहेंगे यहोवा हमारा परमेश्वर है, आमीन। आज हम इसलिए परमेश्वर हमको शुद्ध कर किया है और हमको जाना दे रहा है, हमारा आशा को या भार जा रहा है, इसलिए आज हम कहीं हैं कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा हमसे कहा है तू परमेश्वर बेटी हो, आगे भर यह ना छोड़ना। कभी हम दुख हो जाता है, कभी शायद मुझे छोड़ दिया, शायद पापा मुझे भूल दिया, कभी हम महसूस करते हैं, कभी हम या मौत को हम महसूस करते हैं अंदर में, शायद मैं तो मुझे छोड़ दिया, मुझे प्रेम नहीं करता, शायद परमेश्वर मुझसे नफरत है, गुस्सा है, लेकिन पवित्र आत्मा हमको जो हमारा सहायता दिया है, परमेश्वर वचन हमने मां में मान किया है, वो फिर हमको उससे हमको उजाग देता है कि तो परमेश्वर का बेटी हूँ, बेटा हूँ, यह ना छोड़ना। परमेश्वर ने जो कहा, मैं आपसे अंतिम समय तक मैं आपके साथ रहूँगा, वो आपसे मैं
प्रेम करूंगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ये सब परमेश्वर का वचन। ऐसे से पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हम पर जब कह दिया और हमको सहेक देने के लिए एक सहायता परमेश्वर का आत्मा दे दिया हूँ। इसलिए हम पवित्र आत्मा के साथ चलना, परमेश्वर वचन को मन करना ये बहुत जरूरी है, आवश्यक है, तब हम परमेश्वर का आवाज़ को हम सुन पाएगा। और इसलिए परमेश्वर कहा, यह मेरी प्रजा है, यह मेरी प्रजा है, और हम इसलिए क्या कहा है, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा हमारा परमेश्वर है, हम इससे पुकार है। और इस परमेश्वर कहा है, तू मेरा प्रजा, तू मेरा संतान, आप मेरा संतान, आप मेरा प्रजा परमेश्वर कहलाता है। और हम परमेश्वर हमारा परमेश्वर, हम इसलिए इससे हम पुकार है। और ये परमेश्वर का प्रेम को पाना, परमेश्वर की इच्छा को हम जाना, ये हम खुद कीमत चुकाना पड़ेगा, आसान नहीं है। हमारा मर्जी मर्जी से करते चलते उससे परमेश्वर इच्छा नहीं जानता, लेकिन दुख हमारे जीवन में आएगा, विभक्ति आएगा। अभी शायद काफी जीवन में विभक्ति हो रहा है, दुख हो रहा है, और आसपास में खबर भी सुनकर हम ये सब दुख, ये सब हमारे लिए एक दुख बने हैं। इससे हमको एक सोना आग में जलाकर साफ करता है और पक्का बनाता है, अच्छे अच्छे बनता है। वैसे ही हमको भी परमेश्वर वचन ने कहा, एक सोना तरह, एक सोना जैसे और एक चांदी जैसे आग में ढालकर हमको यह बना रही है। इसलिए हमारे जीवन में दुख सुख समस्या विपत्ति ये सब परमेश्वर की इच्छा में आ रहे हैं। अभी उन्हें बुराई दिन बुराई समय के लिए भी बुराई को इस्तेमाल करता है, कभी शैतान को इस्तेमाल करता है। जैसे आयु पर जो मैं आया, जाओ मेरा दास को पुरखाओ, वो तब शैतान आया आयु को पुरखाया। वैसे ही आपका विश्वास को, मेरे विश्वास, अच्छा मेरे विश्वास को हिलाकर देखना, उनका प्रचार हमको बनाना है, और हमको उनका इच्छा हमें थलना है, ये बताना है, दिखाना है। इसलिए अपना जीवन में कुछ कुछ अभी हो रहा है, ये सब परमेश्वर आपसे प्रेम करता हूँ, वो आपका सन है, तो आज समाज के आप जीना है कि ये इस घबराना और डरना और भागना नहीं, लेकिन आप उसमें बैठकर उस जगह में आप खड़ा होकर ऊपर देखो, उस जगह में बैठकर हे प्रभु तू है मेरा परमेश्वर, आपका विभक्ति आपका दुख आपको समस्या लेकर उनका चरणों में आना, प्रार्थना करना, ये है। इससे आपको आपको आपका विश्वास को पक्का बनना है, परमेश्वर का ईश्वर का विश्वास जैसे, और परमेश्वर को पूरा रूप में हमको हम पहनना है, उनका विश्वास जैसे हम में बनाना है। इसे ये सब हो रहा है, इसे हम सुना समान हमको या आग में डालकर या सुंदर बना रहा है नहीं है, लेकिन सुना चांदी समान नहीं है, उस तरह बना रही है, लेकिन सुना चांदी समान नहीं है। सुना कैसे भी अच्छे बनाओ लेकिन टूट जाता है, लेकिन हम तो कभी नहीं तोड़ेगा, हम जो बनाता है वो पक्का परिपक्व और पक्का बनेगा, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश होगा। इसलिए हम चांदी से भी और सोना से मूल्य है, बहुत 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 मूल्य है हम। इसलिए हम परमेश्वर हाथों में सब संपूर्ण जीवन सौंपे दे, परमेश्वर हाथों में रखते और प्रार्थना करें, धन्यवाद दे, घबराना धरना और चिंता चिंतित होना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपका विश्वास को देखा हो और वो मन वो खुश है। आप हर रोज उनको पुकारते, उनको ढूंढते, उनको बुलाते, ये परमेश्वर खुश है, परमेश्वर इच्छा है। और आप इसलिए यस आपका जीवन जो भी अब बाकी है, अंदर में कुछ अभी युद्ध चल रहे हैं, पूरा रूप में परमेश्वर समर्पित नहीं किया,
पूरा नीच उसके हाथों में नहीं दिया। अभी अंदर में कुछ लड़ाई चल रहा है, बाप के लड़ सुबह लेकर लड़ जा रहा है, सब कुछ में दे। और जो भी आपका नाना प्रकार की परीक्षा दुख आपके जीवन में आता हो, धन्यवाद के साथ आप रमाओ, खुश हो, क्योंकि परमेश्वर आपका परमेश्वर है, वो आप उनका प्रचय है। परमेश्वर ने ये जान लिया और ये दिखाया और इसलिए आपको नहीं छोड़ूंगा, आपसे प्रेम करता है और इसलिए आपके जीवन में हमारा जीवन कुछ कुछ बढ़ है, मेरा जीवन में बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं जब से शांत परमेश्वर चरण में बैठ कर मैं ये एकदम परमेश्वर से के साथ में मैं चला हूँ और उसके साथ में बात करने उसका आवाज़ को सुनकर मैं चले ये मैं कोशिश किया हूँ और मैं बहुत कुछ जीत आया हूँ और मैंने विजय प्राप्त किया और मैं आगे भी विजय प्राप्त करूँगी क्योंकि मेरा पर विश्वास परमेश्वर पर है, मेरा यीशु साथ है उनका आत्मा द्वारा। और वैसे ही आपने भी आपको भी परमेश्वर का आत्मा दे दिया हूँ, यीशु का आत्मा पवित्र आत्मा है, इससे उनका सब में चलेगा तो आप जाने पाएगा परमेश्वर इच्छा को वो आप कर पाएगा क्योंकि वो सहेक मदद के लिए आपको आपको मदद के लिए दिया हो। इसलिए आप घबराना नहीं, डरना नहीं और भागना नहीं, लेकिन आप उसमें खड़ा होगा, उसमें बैठकर ऊपर देखो आपका सहेक कहाँ मदद कहाँ से आता है, परमेश्वर से आता है। इससे ये हम ना सोचे ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, परमेश्वर ने कहा आप में धाल कर सोना जैसे जल्दी जैसे अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है। तो ये है आज हमारा आप तो ये दुख समस्या परीक्षा और जो भी आपके जीवन में विपत्ति जो भी हो रहा है, हम आइए खुश है, हम रमाइए परमेश्वर, हम धन्यवाद दें और इस बात से हम रमाइए क्योंकि हमने परमेश्वर की इच्छा जाना है, क्योंकि ये सब परमेश्वर इच्छा से हो रहा है, हमें विश्वास को तो अच्छी तरह से सुंदर बनाना है, ईश्वर का विश्वास जैसे जिस तरह बनाना है, इसलिए यह उठाइए। और आइज़ाया 48:10 में भी वैसे ही उसमें पाएगा कि देख मैंने तुझे निर्मल को निर्मल तो किया परंतु जानती के समान नहीं, मैंने दुख की भांति में परखाकर तुझे चुन लिया है। आमीन। जानती समान सुना समान जो सुंदर बनाता है लेकिन टूट जाता है, ऐसे समान नहीं बनेगा, लेकिन आपको बना रहे हो, आप बना रहे हो और आपको चुन लिया हो, क्योंकि ये दुख विपत्ति समस्या बीमारियाँ जो आप चिंता आपको जीवन में आता है, इस सबसे आपको परमेश्वर आपको चुनने जा रहा है, आपको सुंदर बनाने जा रहा है और आप उनका प्रचार होगा हमेशा के लिए, उनका संतान बनेगा और वो आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमेशा के लिए हमारा परमेश्वर होगा। तो इसलिए हम घबराना नहीं, लेकिन हम धन्यवाद दें और खुश हो, परमेश्वर वचन नहीं ये परमेश्वर वचन लो को पाएगा हम खुश हो। जैसे ऊंचा हमको ऊंचा मिलता है यहाँ पितरोस 1:6-7 में भी 1 Peter 1:6-7 इस तुम मगन होते हो यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण धूप में हो और ये इसलिए कि ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से तय हुई नाशवान सुने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमीन। ये आज हम स्वर्ग में पहुंचा है, दुनिया में हो, ज्यादा दुनिया शरीर में है, हम ये होना है, दुख समस्या विपत्ति ये सब बिताना है, लेकिन ये एक दिन सब बदल जाएगा, प्रशंसा स्तुति आराधना और उद्धार आधार परमेश्वर को दे जाएगा।
इसलिए हम यह न छोड़े और यह हम ये याद रखें पवित्र आत्मा स्थान है, पवित्र आत्मा के साथ चलो, उसका आवाज़ को सुनो, तो आप जीत पाएगा और परमेश्वर का मन पसंद आप कर पाएगा। ये दुख आप इससे आप निराश नहीं होगा, लेकिन आप खुश होगा और परमेश्वर धन्यवाद देगा। और ये इस रूप में परमेश्वर का धन्यवाद रूप में आप बदलना है, इसलिए प्रभु इस वचन से हम सबको सम्मान दे या Thank you.